गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ गुरु श्रीकांत पर स्वागत है। और आज हम देखेंगे क्षेत्रफल का एक इबारती सवाल। ठीक है कि अगर हमारे पास क्षेत्रफल के सवाल आए या इस तरह के इबारती सवाल आए तो उन सवालों को हम कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई इबारती सवाल होगा तो याद रखिए उस सवाल को हमें बार बार ध्यान से पढ़ना है और तब तक पढ़ना है जब तक कि वह सवाल हमारी समझ में नहीं आ जाए और हमें यह ना पता चल जाए कि इस सवाल में हमें क्या क्या दिया गया है, पहले से जो बता दिया गया है, और फिर हमें क्या मालूम करना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें सवाल को बार बार पढ़कर समझना है और उन्हें लिखते चलना है। तो जैसे हम पढ़ते हैं, एक कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर है, इस कमरे की चौड़ाई 3 मीटर है, कमरे की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, यह हमें बता दिया गया कि एक कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर है। एक कमरा है तो कमरा कैसा होगा, कमरा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वह 18 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल बता दिया 18 वर्ग मीटर। कमरे का नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इन चीजों को हम यहां भी लिखते चलते हैं, दिया गया है। ठीक है, कमरे की फर्श का क्षेत्रफल, कमरे की फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 18 वर्ग मीटर, हमने यहां भी लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, कमरे की चौड़ाई 3 मीटर है, जो चौड़ाई है कमरे की वह है 3 मीटर, यहां उसे भी लिख लेते हैं, कमरे की चौड़ाई बराबर 3 मीटर। आगे देखते हैं, कमरे की लंबाई कितनी होगी, कितनी होगी हमसे पूछा जा रहा है, कमरे की लंबाई कितनी होगी, तो कितनी होगी कमरे की लंबाई, वही तो हमें पता करना है। कमरे की लंबाई बराबर प्रश्नवाचक, यही क्वेश्चन है हमारे पास कि कमरे की लंबाई बराबर जो हमें मालूम करना है, यह लंबाई हमें मालूम करना है। तो इससे हमें यह तो पता चल गया जो हमारा कमरा है वह एक चतुर्भुज है, और कैसा चतुर्भुज है, वह या तो आयत भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। ठीक है, और जब हम सवाल को हल करेंगे तो पता चलेगा कि वह आयत है या वर्ग है। तो चलिए, हमें आयत का क्षेत्रफल पता ही है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, या आयत का क्षेत्रफल, वर्ग या आयत, दोनों का क्षेत्रफल का सूत्र सेम ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग कह हम कहते हैं भुजा गुणा भुजा, तो एक भुजा लंबाई वाली, दूसरी भुजा चौड़ाई वाली, उसी को आयत के क्षेत्रफल में हम कहते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग में कहते हैं भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, पर हमें क्षेत्रफल मालूम नहीं करना है, क्षेत्रफल तो हमें दिया गया है और उससे हमें लंबाई मालूम करनी है, चौड़ाई और क्षेत्रफल हमारे पास है और हमें लंबाई मालूम करना है। तो देखिए, इस क्षेत्रफल के सूत्र से हम इसकी लंबाई मालूम करेंगे, कैसे, देखिए हमारे पास है क्षेत्रफल और
उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां से हम लंबाई और चौड़ाई दोनों निकाल सकते हैं। लंबाई क्या होगा, लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। या अगर हमें चौड़ाई मालूम करना होता तो वह होता क्षेत्रफल बटा लंबाई। ठीक है, अगर लंबाई मालूम करना है तो क्षेत्रफल को हमें चौड़ाई से भाग दे देना है, और अगर हमें चौड़ाई मालूम करना है तो क्षेत्रफल को लंबाई से भाग दे देना है। और ये कम से कम दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्षेत्रफल और चौड़ाई है और उससे हमें लंबाई मालूम करना है, तो यहां लिखते हैं अतः लंबाई बराबर या क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्षेत्रफल को अगर हम चौड़ाई से भाग देते हैं तो हमें लंबाई मालूम हो जाएगा। तो यहां है 18 वर्ग मीटर और उसको हमें भाग देना है चौड़ाई से, मतलब 3 मीटर से। ठीक है, तो 3 एकम और 3 छक्के 18, तो हमें लंबाई क्या मिला, 6 मीटर। इसकी लंबाई होगी 6 मीटर और यहां से हमें पता चल गया कि जो चतुर्भुज है, जो कमरा है, वह उसकी जो फर्श है वह आयताकार है, आयत के आकार में है, जहां लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे भी सवाल आ सकते हैं जहां क्षेत्रफल है और कोई एक भाग दिया हो, लंबाई या तो दिया हो या चौड़ाई, तो उससे दूसरा हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, क्षेत्रफल को हमें अगर लंबाई दिया है तो लंबाई से भाग दे देंगे तो हमें चौड़ाई मिल जाएगा। अगर हमारे पास क्षेत्रफल और चौड़ाई है तब हमें कहा जाएगा लंबाई ज्ञात कीजिए, तब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे तो हमें फिर मिल जाएगा लंबाई। तो ऐसे भी सवाल क्षेत्रफल के हमारे पास आते हैं। बस आपको याद रखना है क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई, और उससे आप इन सूत्रों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं।